गाइस मैं रेडी तो हो गई हूँ, कुछ ऐसा मैंने पहना है, पूरा लुक आपको उधर दिखाती हूँ। बट पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, यहाँ कैमरे में अच्छी नहीं लग रही बट वहाँ अच्छी लग रही है। आई नो, बहुत सिंपल लुक रखा है मैंने हमेशा की तरह। चलो चलते हैं। हाँ भैया वाली चलेगी और भी गाड़ी चलेगी घुमा के। गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई। यहाँ लगाते गाइस 8:30 से ऊपर हो गया और बारात अभी तक निकली नहीं है। और मैं एक बात बोलूं, एक कोई हमारे रूम में आया था जिसने ऐसी मजाक में बोला कि पंडित जी ने साइड दिया है कि यहाँ से 9 बजे निकलेंगे और 12 बजे जयमाल होगा यानी वरमाला, और उसके बाद 4 बजे शादी जो फेरे वेरे की रस्म है वो स्टार्ट होगी। और मुझे लग रहा है एग्जैक्टली वही होने वाला, क्योंकि पापा लोग 7:30 बजे से इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, कुछ रस्मों में इतनी जल्दबाजी करी कि पूछो ही मत। लेकिन अभी भी हम लोग गाड़ी में ही और अभी गए नहीं, पहुंचे ही नहीं, अभी घर के वहीं पे हैं। देखो उधर हमारा घर है। और इस वीडियो को वायरल कर दो भाई, कर दो भाई, मोटा भाई देख रहा है, कर दो भाई। ये भाई ने बोला वीडियो को वायरल करने की, कर दो भाई प्लीज। लाइट तो जला रखी है ऑब्वियसली ब्लॉगिंग के लिए। अमन एकदम मतलब क्वेश्चन पूछा तूने, आवाज कैसे हो गई खोली तो क्या कर सकते हैं गाइस। हर शादी में मेरी आवाज बैठ जाती है, I don't know why। हम लोग पहुंच गए हैं, ये जगह है, वहाँ वो है, ज्यादा नहीं दिखा सकते। ब्रो मेरे को भी देना मंचूरियन, रुक जा। ये स्कूल है जहाँ हम लोग रुके हुए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। भैया उधर है, बारात के आगे नाचेंगे हम लोग। अब खा भी ले। मेरे पापा, पापा मेरे लिए भी एक टिक्की ला दो प्लीज पापा। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा बट स्टिल मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ गाइस। खाना वाना खा के बैठे हुए हैं। गांव में एक्चुअली होता है ये, जिसके घर पे ज्यादा स्पेस नहीं हो पाती है वो लोग घर के नियरेस्ट में जो स्कूल होता है ना, प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट वाला जो स्कूल होता है, उसमें बारात को स्टे करवाते हैं। स्टे इन द सेंस कि सिर्फ खाने पीने का जो फर्स्ट जो मील होती है ना उसके लिए बस। तो अभी सबने कर लिया है फर्स्ट मील, भैया गाड़ी तैयार है, अब बस बारात निकलेगी घर जाने के लिए। यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं होगा उनका, वॉक इन डिस्टेंस है तो चले जाएंगे। फिलहाल मैं चूड़ा लग रही हूँ बट आई एम ओके विद दिस। आपको वेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो। Thank you.
दूल्हा नहीं है, खाना पीना खा के हम लोग उधर जा रहे हैं, उनके गेट के पास पहुंच के हम लोग डांस करेंगे, पर डांस तो जरूर करेंगे। हाँ तो मैं नहीं कह रही भाई, चलो मुझे क्या है, जब है ही नहीं कुछ तो कहाँ डांस करेंगे, डीजे है ही नहीं, गर्मी की यही शादी है गाइस। गाइस आई विश कि यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम नहीं होता यार, सीरियसली बता रही हूँ। ये देखो मेरे मामा, मेरा भाई लकी, अमन, सत्यम मामा और मतलब अखिलेश भी है यहाँ पे, सब लोग इतने मस्त तरीके से डांस कर रहे थे। और इस टाइम पे कुछ गाने बहुत ट्रेंडिंग में थे, भोजपुरी गाने, जो कि मुझे भी बहुत मजा आ रहा था सुनने में भी, उस पर डांस करने में भी। इस पूरे डांसिंग उसमें मैं बस यही मिस कर रही थी कि आई विश कि मतलब मैं म्यूजिक ऐड कर पाती, फिर आपको पता चलता मस्त एकदम गाने। और यहाँ पे ये गाना चल रहा था, आए हम बाराती बारात लेकर और सही बता रही हूँ, इसका जो रियल म्यूजिक वाला वीडियो आप देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता। माय गॉड यार, काश मैं वीडियो अपलोड कर पाती म्यूजिक के साथ, बट दैट्स ओके। आई होप आप व्लॉग इंजॉय कर रहे होंगे, शादी का पूरा व्लॉग आ जाएगा इसके बाद, आगे भी आप देखो, पहले डांस देखो, आप डांस एंजॉय करो, उसके आगे की पूरी क्लिप बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते जाना ठीक। We'll be right back.
गाइज उस वक्त मुझे यही बताना था कि हम लोग घर के बाहर तो नाचे ही नाचे, बारात घर के अंदर आ गई, दूल्हा बैठ गया है पूजा के लिए, फिर भी मेरे घर में जो भाई थे, मामा लोग थे, सब लोग इतना अंदर तक ढोल वाले को बुला के, मतलब बैंड वाले को बुला के नाच रहे थे, बजवा के बैंड मस्त एकदम, और हम लोग भी यहाँ बैठ गए हैं अब स्टेज के पास, सो दैट भाभी आए और उनको हम देखें। मैंने पूरे व्लॉग में भाभी को कहीं नहीं दिखाया है, ऑब्वियसली इसलिए नहीं दिखाया ताकि जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, जैसे कि मेरे गाँव के लोग, जिस मुझे पता चला कि वो लोग देखते हैं, तो वो लोग घर की बहू को वहाँ घर पर जाके देखें, ना कि मेरे व्लॉग में, इसलिए मैंने व्लॉग में भाभी को दिखाया ही नहीं है। नो गाइस, इस शादी में मेरे लिए बस ये अच्छा हुआ है कि यहाँ पे गाने नहीं बज रहे, तो कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है ज्यादातर, और मैं खुल के बात कर सकती हूँ, मेरे गला खराब है। रात को 2 बजे हम लोग बैठे हुए और हम लोग बारा पहले घर में सब लोग ये बोलते थे, खासकर ये लड़का, ये बदतमीज ये बार बार हमें बोलता है कोई लड़की बारात में नहीं जाएगी, क्योंकि उनके गांव में लड़ाई हो जाती है, कोई लड़की नहीं जाएगी। लेकिन फिर हम लोग आए भी हैं और रुके भी हैं। डिसलाइक कर रहे हैं। चंदन है, बाकी गए सब, छोटू दोनों गए। बन रहा है
गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को बारात से हम लोग वापस आ गए थे, हम लोग वहाँ पे स्टे नहीं किए थे। मैंने बोला था हम स्टे करेंगे बट हम नहीं किए, ऐसे ही क्योंकि मन भी नहीं करता, इतनी गर्मी थी वहाँ पे। पर फिलहाल अभी भाभी आ गई है घर पे और हम लोग उनका वेलकम करने जा रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है, वीडियो वीडियो वीडियो। ये उतारे रहा है, ये नहीं बोल रहा है, ये क्यों करवाई? ये बेटा एक कोई पकड़ लो। मैंने भाभी का चेहरा अभी तक नहीं दिखाया भाई, सब लोग जो गांव के लोग ब्लॉग देखते हैं यही घर पे आके भाभी का चेहरा देख लेना। भैया ने स्ट्रिक्टली बोला कि तो ब्लॉग में नहीं आ रहे। ये देखो इनको इतनी सुंदर लग रही है, यही कपड़ा आपको तीनों में पहनना चाहिए था दीदी। आप फोटो तो देते ही, फोटो खींचने में आने के बाद डाटा क्या हो गया? हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसे बोलते हैं कक्कन छुड़ाना। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट जब जिस दिन दुल्हन आती है घर में उसके शाम को ये रस्म की जाती है। अगर आपने मेरे पिछले भैया की शादी वाले ब्लॉग को नहीं देखा जाके देखना, इससे जस्ट एक साल पहले एक और शादी थी जिसमें हम लोग भैया के साथ गए थे कक्कन छुड़ाने के लिए। सेम अभी हम लोग अभिषेक भैया के साथ भी गए इन्हीं सब रस्मों के लिए। तो अब आप देखो कैश ही तो नहीं है यार, ट्रेन में भी कैश मांग रहे थे वो लोग। उधर है हमारा घर। हम लोग यही करते हैं, बहुत बदतमीज हम लोग, किसी की भी गाड़ी हड़प लेते हैं। 1 2 3 सो गाइस ये है लास्ट रस्म जो कि बहुत ही ज्यादा फिल्मी होती है क्योंकि मैंने ये फिल्मों में देखा है। रियल में मैंने होते हुए इसे नहीं देख पाया था पिछले शादी में क्योंकि मैं सो गई थी, बट इस बार मैं जगी हुई थी और ये रस्म क्योंकि शाम को हुई थी तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो गया। यहाँ पे यही अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो
ऐसे और भी बहुत सारे व्लॉग आएंगे इंटरेस्टिंग जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड होंगे, मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, सब कुछ उसमें रहेगा। और ये टिपिकल जैसे होता है ना फिल्मों में, वैसा ही सीन चल रहा था यहाँ पे कुछ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अभी शादी से रिलेटेड और भी व्लॉग्स आएंगे, बट अब देखा जाएगा कि और क्या मैं क्लिप्स कहाँ से निकाल के वीडियोज़ बना सकती हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इसे अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। मेरे सारे ब्लॉग आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर सकते हो क्योंकि वो अच्छे होते हैं। सो या बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।